गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज डीप पेनिट्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। जो एटीएम्स हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट होता है। इन मशीन्स के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो कभी भी मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं बैंक बैलेंस की बिना ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प के या ह्यूमन टेलर की हेल्प के। इन ATMs के थ्रू जो कस्टमर है वो अवेल कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज 24/7 बेसिस पर। जो ATMs हैं वो ईजी एसेस प्रोवाइड करवाते हैं टू बैंकिंग फैसिलिटीज। कस्टमर्स को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स जो हैं ईजीली आप यूज़ कर सकते हो टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम ATMs। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज। RBI ने वेरियस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि फास्टर और सेफ ट्रांसफ़र हो सके फंड्स का फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इसके लिए जो RBI है उसने इंट्रोड्यूस किया है NEFT को, RTGS को, ECS को, जिसके थ्रू आप फास्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। देन इसके अलावा अदर रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो और SLR को रिड्यूस किया गया है। बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो इशू कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, किसान क्रेडिट कार्ड्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स। कमर्शियल बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो बोरो कर सकते हैं फ्रॉम ओवरसीज फाइनेंशियल मार्केट्स अप टू 25% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। देन इंटरनल चेक एंड कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया गया है बैंकिंग फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए। कमर्शियल बैंक्स ने अडॉप्ट किया है रिलेशनशिप बैंकिंग और कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच को, और बैंक ट्राई करता है अपने रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए बैंक कस्टमर्स के साथ और कस्टमर लॉयल्टी को ताकि इन्हांस किया जा सके। कस्टमर रेड्रेसल सिस्टम जो है, कस्टमर ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट्स को ऑनलाइन भी लॉज कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स ने डाइवर्सिफाई की हैं अपनी एक्टिविटीज़ इन अदर एरियाज़ ऑल्सो, लाइक इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। और इससे जो स्कोप है एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स का वो वाइडन हुआ है। देन पेमेंट बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं कुछ बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए। देन सजेशंस क्या हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स को स्ट्रेंथन करना है अपना कैपिटल बेस एज पर बेसिल थर्ड नॉर्म्स, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव किया जा सके। और इंक्रीज्ड कैपिटल बेस स्ट्रेंथन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक्स। देन बैंक्स को इम्प्रूव करना चाहिए रिलेशनशिप बैंकिंग कस्टमर्स के साथ। बैंक्स को डीपली एनालाइज करना चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर्स, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को, ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रिस्क है उसे कम किया जा सके। बैंक्स को सेटअप करना चाहिए रिसर्च एंड मार्केट सर्वे यूनिट्स, और ये यूनिट्स हेल्प करेंगी बैंक्स को एक्सप्लोर करने के लिए न्यू एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, फीडबैक लेने के लिए कस्टमर्स से, इनोवेटिव रहने के लिए और न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। बैंक्स को ऑलवेज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रहना चाहिए जब भी वो रिक्रूट कर रहे हैं स्टाफ को, ओपन कर रहे हैं न्यू ब्रांचेस को, या लोन दे रहे हैं, या एक्सेट्रा ऐसे कोई डिसीजंस वो ले रहे हैं। बैंक्स को रिड्यूस करने चाहिए अपने सर्विस चार्जेस, जैसे चार्जेस जो वो लगा रहे हैं ऑन चेक कलेक्शन, मेकिंग ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, तो उससे जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज डीलिंग आवर्स जो हैं पब्लिक के साथ वो इंक्रीज होने चाहिए, और जो कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए भी जो वर्किंग आवर्स हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। द नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए इन गवर्नेंस एंड डे टू डे वर्किंग में। बैंक्स को अडॉप्ट करना चाहिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, टूल्स को, ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है ई बैंकिंग की वो इंक्रीज हो सके और जो रिस्क है हैकिंग का, साइबर क्राइम का, फ्रॉड्स का वो रिड्यूस हो सके। देन बैंक्स को रेगुलरली अरेंज करनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको फेमिलराइज करवाने के लिए विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी बैंकिंग सेक्टर में हो रही हैं, और उनकी स्किल्स को
अपडेट करने के लिए, देन इंटरनल चेक एंड कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना चाहिए अवॉइड करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड्स को, वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना चाहिए हेल्दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ ताकि जो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो सके और जो कॉम्पिटिशन है वो फेस कर सके प्राइवेट सेक्टर और बैंक फॉरन बैंक्स के साथ। तो जो इंडियन बैंक्स हैं उन्हें ये जो चैलेंजेस हैं वो सक्सेसफुली उन्हें फेस करने चाहिए ताकि जो उनका मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो सके, मेंटेन हो सके, न्यू बिजनेस एरियाज में उन्हें एंटर करना चाहिए, डेवलप करने चाहिए, न्यू वेज ऑफ वर्किंग, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए, हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस को डिलीवर करना चाहिए, सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर्स को देनी चाहिए और जो भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ताकि वो उसको फेस कर सके। इम्प्रूव वर्किंग अगर बैंक की होगी तो वो लॉन्ग वे में उन्हें हेल्प करेगी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है कमर्शियल बैंक्स का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।